Janab, assalamu alaikum and welcome to Time Out with Ahsan Khan. Umeed karta hoon ki aap jahan jahan bhi hame dekh rahe hain bilkul sab log khairiyat se hain. Ek research ke mutabik mujhe ye pata chala ki khawateen balki jhapakti hain mardon se do guna zyada. मैं तो हैरान हो गया इस बात पे. फिर पता चला कि ख्वातीन पढ़ाई में भी मर्दों से दो हाथ आगे हैं. फिर रिसर्च में पढ़ा कि ख्वातीन किचन में काम भी मर्दों से दो गुना ज्यादा कर लेती हैं. और फिर रिसर्च में ये भी पता चला कि ख्वातीन मर्दों से दो गुना ज्यादा बातें भी कर लेती हैं. तो जनाब ये तो हमारी ख्वातीन बहुत आगे जा रही. क्या प्रोग्रेस है, क्या बात है जनाब. आज जो हमारे गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं जबरदस्त सेलिब्रिटी कपल है. आजकल आप उनका प्ले देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं. मुझे बहुत सी फरमाइशें हैं कि इनको एक साथ बुलाया जाए. यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पास खातून है ये अपने हीरो से दो हाथ आगे है. तो ये तो हम जानेंगे ब्रेक के बाद के आ कौन रही है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और अब वो वक्त आ गया है जब मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने सुपर सेलिब्रिटीज को. टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, जितनी तारीफ करूँ इन दोनों की उतना कम है, बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. और अब से नहीं, बहुत अरसे से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. वो कहते ना कुछ लोग होते ही इसलिए कि वो आर्ट की फील्ड में काम करें. और जब आप उनको देखते हैं कहीं पे भी, चाहे वो बड़ी स्क्रीन पे हो, छोटी स्क्रीन पे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको अच्छे ही लगते हैं. और एक तो काम अच्छा करना और फिर इंसान अच्छे होना तो बहुत ज़रूरी. तो पहले हम किसको बुलाएं, अपने हीरो को बुलाएं या हीरोइन को? एक नाम मेरे पास है जिनका नाम है मंसूर असलम खान न्याजी. अब अगर तो आप को पता लगता है कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी, तो फिर तो इनको बुला लेते हैं, वरना हम बुलाते हैं समी खान को. यार मंसूर भी आया. मंसूर भी आया, बैठ जा भाई. ये मंसूर असलम खान न्याजी कौन है भाई? भाई ये मेरा ही नाम है, असली नाम है ये. असल नाम जो कागजात में है वो ये है, और जो घर वालों ने दिया नाम. Exactly. तो समी खान जिंदगी किस ईयर में आपको ये नाम मिला? ये नाम मिला जब सलाखे फिल्म साइन की. Okay. तो मैंने कहा अगर फिल्म कर रहे हैं तो नाम थोड़ा चेंज करें, क्योंकि मंसूर लोग गलत कर देते थे, यानी कह देते थे, कोई कहता मंजूर. अच्छा. मुझे बहुत चिड़ होती थी. मैं कहता हूँ मंसूर, मंसूर डिफरेंट नाम है. तो वो लोग कहते थे कि नहीं मंजूर, पहली कंफ्यूजन. तो मैंने कहा कुछ नाम हो कैची, थोड़ा सा खान था, खान था नाम में. तो फिर समी को ऑप्शन मिला, मैंने कहा क्यों नहीं समी. और समी कोई और था भी नहीं, एक मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, समीउल्लाह खान न्याजी, दोस्त था बहुत अच्छा. तो मुझे उसका नाम बहुत पसंद था, तो शायद ये नाम कभी मैंने रखना था, अल्लाह ने इसी से इज्जत देनी थी तो हो गया. बिल्कुल सही है. घर वाले किस नाम से बुलाते हैं समी? पहले या अब? बचपन में या अब तो मंसूर ही कहते हैं, बचपन में मोटा कहते थे. लगता नहीं कभी तू भी मोटा था जिंदगी में. मैं कसम से बहुत मोटा था, बाकायदा मोटा था बचपन में. जो लोग बचपन में मोटे होते हैं बड़े होके बहुत स्मार्ट होते हैं, जो बचपन में बहुत दुबले होते हैं बड़े होके बहुत मोटे हो जाते हैं. हाँ, लिहाज नहीं करते ना, जिस तरह हमें बचपन से ही कॉन्शियस हो गए कोई मोटा कहे ना दोबारा तो कॉन्शियस हो गया. ख्याल सही है. अच्छा जनाब, हमारी जो स्टार है बड़ी प्यारी, मैं कहता हूँ आवाज भी प्यारी, गाती भी इतना अच्छा है, और ये एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त करती है समी के साथ. आजकल इसका प्ले देख रहे हैं हम, पहचान गए होंगे, बहुत अच्छा प्ले चल रहा है. And she looks gorgeous, she looks beautiful, she's multi-talented, she's a very, very good actor, very promising. Since day one, I saw her and I thought ke she is actually very promising. Yes, kar liya hoga, hum bulane ja rahe hain Kinza Hashmi. कैसी हैं किंजा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए.
बिल्कुल आप भी बैठे जी जी बिल्कुल इंजा टेंशन क्यों हो रही थी किस चीज की यही तो पूछ रहा हूं किस चीज की कोई टेंशन नहीं थी पक्का हां बताओ ना सच यार सच बताओ क्या टेंशन थी बता दो किंजा वो खुद भूल गई है अब मुझे नहीं पता ना कौन सी बात बताई होगी इन्होंने कुछ बताया आपने ओह यार प्लान नहीं किया मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं यार ओह अच्छा मुझे बताओ दोनों का प्ले बड़ा अच्छा जा रहा है बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों और डूइंग वेल और स्पेशली व्हेन यू हैव एक्टर्स लाइक बुशा अंसारी एंड अस्मा आपा विद यू गाइस एंड सीनियर्स और सब मिलके तो आई मुझे यकीन है कि सेट पे भी बहुत मजा आया होगा बहुत मजा आया इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग बुशा अंसारी साहब के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूं अच्छा रियली यस पहली बार काम कर रहा हूं तो उनसे लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला वो बहुत जो एक्टिंग की मुर्कियां की बारीकियां तो बड़ा गाइड करती हैं जब सीन साथ कर रहे हो ना कि नहीं इस लाइन को इस तरह बोलो फिर देखो क्या फर्क पड़ता है तो इट रियली हेल्प्ड किंजा नेगेटिव रोल करते हुए मजा आ रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव में कितना मजा आता है कितना मजा आता है मेरा दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट मुझे रोने धोने वाले कैरेक्टर्स नहीं चाहिए मुझे नेगेटिव वाले चाहिए एक्चुअली बहुत नेचुरल करती है ना अब ये मुझे नहीं पता यार ये तो अब दोनों नहीं शी इज वेरी गुड लेकिन समी एक घूरी से बदल गया यार ये डर जाते हैं पूरे सेट पे हमने कितने 60 डेज काम किया है एक दिन इन्होंने गुस्सा नहीं किया गलत बात पे भी गुस्सा नहीं किया मैं कहती रही गुस्सा आता है कभी बोलता है कभी कुछ कहता है और ये पता क्या और मुझे क्या कह रहे हैं मुझे क्या कहते हैं कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं मुझे गुस्सा आ गया ना तो बस और मैंने कहा आई नहीं सकता मैं सच बता रहा हूं घर में आता हूं नहीं नहीं घर में नहीं मेरा गुस्सा खतरनाक है यानी मुझे साल में एक दफा गुस्सा आता है वो खतरनाक सोचा हुआ है क्या पूरा साल हो गया इससे पहले पहले नहीं इनको बिल्कुल नहीं आता ये थोड़ा सा वो होते हैं कि हाँ यार ये तो गुस्से वाली बात है हाँ चलो यार अल्लाह पे छोड़ो दफा करो इस बात को मैं नहीं कर रहा ये वैसे अच्छी बात है इट्स अ गुड साइन और फिर एक दिन मैंने इनको कहा आपको आ ही नहीं सकता कहते हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ा रही हो मैंने कहा आपको आ ही नहीं सकता आपको नहीं तो सभी को तब गुस्सा नहीं जब सभी के बाल खींच के भाग जाती हो ये खबर आप तक पहुंच चुकी है नहीं वो जो ये वैक्स चेक्स कर रहे थे जी जी बिल्कुल जो माइक लगाने के लिए तार वो टेप यूज नहीं करते एकदम अचानक सीन की लाइंस कर रहे हैं और मैं यूं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं मेरे यहां पे टेप लगाई है वैसे मैंने कहा पता नहीं क्या करिए खींच दिए यहां से बाहर जी और मैं यूं ये क्या किया मेरे साथ और उसके बाद इनकी आदत थी कि चलते फिरते जैसी सेट पे जा रही है ना सीन कर रहे हैं लाइंस याद करें और यूं खींच देते हैं ये क्या कर रहा ये मुझे तंग करने का दिल ये तरीका है ये सही है सिर्फ इनको तंग करने को दिल सिर्फ समी को मजा आ रहा है क्योंकि तंग नहीं होता तंग ही नहीं होता अभी यार मासूम ये थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं खामोशी कैसी थी क्योंकि मैं समी को बहुत पुराना जानता हूँ तो बिल्कुल मुझे पता है कितना मासूम है माशाल्लाह आई नो हिम वेल वो ये कि इंसान जिंदगी में कभी फेजेस आते हैं कभी कम मासूम होता है कभी ज्यादा आजकल ये ज्यादा मासूम है कुछ सालों से ऐसा ही है समी बिल्कुल सर और मुझे पहले इरादा ऐसे ही मासूम रहने का जी जी बिल्कुल अब तय कर लिया अच्छा एक बात समी यू बीन डूइंग फिल्म्स लेकिन रिसेंटली कोई फिल्म ऐसी बड़ी की नहीं सवाए खलील साहब की फिल्म की ठीक है रॉन्ग नंबर टू हाँ रॉन्ग नंबर यार क्या फिल्म थी यार क्या फिल्म थी जबरदस्त नहीं मतलब ये है कि यू आर डूइंग टेलीविजन ऑल्सो और कहीं पे बहुत से लोगों ने ये कहा कि यार आपको अगर फिल्म करना है तो टीवी जरा आप छोड़ दें तो क्या अब मतलब इस बात पे कुछ अमल करने का सोचा था नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं मैं हमेशा मानता हूँ कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ये बात रह गई है इंटरनेशनली अगर आप देखें तो हेनरी कैवल सुपरमैन का रोल भी करता है और वो नेटफ्लिक्स पे विशर सीरीज भी कर रहा है सो आई थिंक हमारे यहाँ पे क्यों समझते हैं लोग लुक डाउन क्यों करते हैं यार एक्टर है यार ये तो हर ड्रामे में होता है भाई इसको क्यों लेना हमने हमने हर चीज से ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दी हुई है एक्टर इज एन एक्टर अगर हमारे यहाँ थिएटर अच्छा होता तो मैं थिएटर भी करता अगर जिस तरह का हम करना चाहते हैं अगर अच्छा थिएटर हो तो मैं वो भी करूँ अगर मुझे टीवी पे अच्छा काम मिलेगा मैं टीवी करूंगा फिल्म अच्छी होगी मैं फिल्म भी करूंगा आई एम एन एक्टर मैं काम करूंगा जहां अच्छा होगा जहां एक्टिंग का काम मिलेगा वहां करेंगे और थिएटर का तो वो मजा है भाई जो किसी चीज का नहीं आई स्वेयर और मैंने आज तक नहीं किया मेरा बहुत शौक है कि कभी थिएटर करूं अच्छा चलें आई होप आई विश कि आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो किंजा घर से सिंगर बनने निकली और फैमिली में कोई एक्टर एक्ट्रेस सिंगर दूर दूर कोई नहीं है और इकलौती एक लड़की बेटी और वो उसने कहा मैंने तो यही काम करना है और जिद करके इस फील्ड में आ गई तो क्या मतलब किस तरह क्यों शौक कैसे पड़ा ये शौक मुझे बचपन से था ये शौक बचपन से होता है ये बचपन से ही होता है वरना ये नहीं होता ये मुझे बचपन से ही था लेकिन फिर उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है तुम गाना गाओ
तो मैंने गाने के लिए किसी ने क्यों कहा, किसी ने सुनी होगी तो कहा। पहले सिंगिंग की थी, पहले एक्टिंग नहीं की थी, यानी शौक जो था, मतलब शौक जो था वो सिंगिंग का था। लेकिन जब मैंने एक्टिंग की तो फिर मैं सिंगिंग भूल गई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये करना था। मजा आ रहा है एक्टिंग करते हुए? हाँ, मुझे मजा आ रहा है, एंजॉय करती हूँ मैं। कि और ना डिफरेंट कैरेक्टर्स करके जो सुकून मिलता है आपको तो पता है। नेगेटिव में बहुत सुकून मिलता है इनको, बहुत एंजॉय करके। वो अंदर की सारी जो दबी हुई नेगेटिविटी थी वो बाहर आ जाती है, वहीं पे सेट पे निकाल देते हैं हम। नहीं, अभी आपने देखा नहीं, आंखें दिखाते हुए एकदम से डर जाते कैरेक्टर में आ जाते यार। वो उसमें मैं बस कैरेक्टर दावर इतना वो डरा डरा के इसने 60 दिन बस वो यार समय मुझे तरस आने लग पड़ा यार। मुझे भी दावर पे तरस आता है, जो कैरेक्टर था उस पर तरस आता है बेचारे। ये इतने मासूम नहीं है, इन्होंने मेरे साथ 2-3 दफा ये किया कि वो हम जिस घर में थे तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, तो एक दफा मैं बिल्कुल आराम से ये जल्दी से आगे जाके अंदर चले गए। मैंने कहा अंदर चले गए होंगे, मैं आगे आई और ये छुपे हुए थे, इन्होंने मुझे डराया, मेरा दिल जो है मुंह गया, चीख आई, यानी मैं दरवाजे के छुपा हुआ। पूरा शूट वाले नीचे से बाहर आ गए, साइमा जी आ गई कि शायद गिर तो नहीं गई सीढ़ियों से, क्योंकि वो सीढ़ियां कुछ डेंजरस थी, वो ऊपर जाने की ना रास्ता बहुत अजीब सा था, तो वो सब डर गए। लेकिन वो जो टाइम था कि मैंने उसके बाद इनको कहा ये नहीं करना मेरे साथ, और फिर भी इन्होंने 2-3 दफा ये ट्राई किया और 2-10 कामयाब भी हुआ। कामयाब हो गया एक बार, कामयाब 2-3 दफा मैंने चेक करवा लिया कि ये है यहाँ के, यानी ये बंदा भेजती थी पहले चेक करो है तो नहीं कोई। अच्छा किंजा, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने इंस्पायर किया, या सिंगर जिसने इंस्पायर किया कि यार मुझे भी इनकी तरह का बनना है, या ये मुझे करना है फ्यूचर में, और अब मैं इस फील्ड में जाऊंगी और ये करूंगी? कोई बड़ी फेवरेट है एक्ट्रेस या एक्टर या सिंगर? मैडम नूरजहां थी फेवरेट, वो सभी की हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा, यानी वो तो शीज अब लाइक लेजेंडरी वो सिंगर है। मलका तरन्नुम, मलका तरन्नुम नूरजहां। इट्स सो स्ट्रेंज कि मुझे, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम किंजा, यू नो व्हाई, बिकॉज़ मतलब बीइंग अ यंग गर्ल तो इतने जबरदस्त, मतलब एक बड़े मंझे हुए सिंगर का नाम लिया है, बड़ी बात। क्योंकि मेरी अम्मी उनके बहुत गाने सुनती हैं, तो मेरी अम्मी वो जब सुनती थी और वो जिस तरह से उनकी बातें बताती थी तो मुझे बहुत ज्यादा वो होता था कि यार कि ये काम करने से आपको इतनी इज्जत मिलती है, लोगों से इतना प्यार मिलता है, तो मुझे वो सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी। यार तो उनके गाने गाने में मजा आता है? हाँ, उनकी तरह तो नहीं गा सकती हूँ, आवाज ही नहीं है वैसी बस। लेकिन आज हम मैडम का गाना किंजा सुनेंगे, पहले सोचा ना, बता दिया खुद तो। समी सेट पे मौजूद था, समी, और कहीं पे बाहर चौकीदार ने गोली चला दी, ये क्या हुआ यार? वो इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, एंड मैं और अस्मा अब्बास हम लोग सेट पे थे, हम नॉर्मल शूटिंग कर रहे थे, हमने कुछ सीन्स किए, लंच ब्रेक हुई, और लंच ब्रेक के अंदर हम लोग खाना खा रहे हैं तो एकदम आवाज आई है, जैसे धस एक आवाज आई है, तो मुझे लगा बाहर कुछ गिर गया शायद, वो होता है ना अक्सर कुछ वो लाइट वगैरह पड़ी होती है और हवा चली गिर गया। लेकिन अचानक फिर जब मैं शोर सुना कि तो हमने दरवाजा खोल के देखा तो लाउंज के अंदर हमारा कुछ एक दो क्रू के लड़के थे, जिसमें जो चिलर वाला बंदा था उसको उसने कहा गोली मार दिया, तो उसमें थोड़ा पैनिक हुई कि क्या हुआ है। वो बेसिकली जो क्रू के लड़के थे वो कहीं खाना खा रहे थे और जो घर का गार्ड था उसका एटीट्यूड काफ़ी ख़राब था, शुरू से ही बहुत मसले कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कुछ तल्ख कलामी हुई और उसने जहाँ खाना खा रहे थे वहीं फायर कर दिया। और अभी शुक्र है खुदा का कि इट वॉज एन AK-47, लेकिन वो गोली जमीन पे चली है तो मार्बल से रिकोशे हुई है, किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन जो पीसेस थे ना मार्बल के वो इतने लगे हैं कि एक बंदा शायद 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा है, जो चिल्लर वाला था, लेकिन बाकी सब अल्लाह का शुक्र है कि रात तक वापस आ गए थे, कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी का पेशेंस कहाँ चला गया, छोटी सी बात पे आप किसी को खाना खाते हुए, आप किसी कोई गैर इंसान भी आपके समय खाना खा रहा हो, आप कहते हैं सुकून से खाने दो यार, 10 मिनट बाद जो भी है वो मसला हल कर लेंगे। वेरी स्ट्रेंज मैन, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट सेवंथ स्काई ने उनके खिलाफ पर्चा एग्जैक्टली बिल्कुल फॉरन पहुंचे, सब इलाज करवाया लोगों का, और ये बड़ी एक और सिर्फ उस गार्ड के खिलाफ ही नहीं, जो उस गार्ड के मालिकान थे उनको भी नवाज किया। किस तरह का बंदा रखा हुआ यार, देखें आप शूट का पैसे ले रहे हैं आप लोग, सर आप घर में शूटिंग हो रही है, आप तमीज थोड़ी सी करें। आपने गन दे दी एक बंदे को तो यू नीड टू मेक श्योर कि किसके हाथ में है वो, यानी इट्स नॉट द गन, इट्स द पर्सन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, तो उसका ख्याल उनको रखना चाहिए कि गार्ड वो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई गार्ड है, तो लग रहा था कि अभी शायद सारों को वो कर, बिल्कुल सही है, वेरी रॉन्ग वे, ठीक है, जबरदस्त। किंजा मुझे ये बताओ कि अभी जितने ड्रामे किए उनमें से सबसे फेवरेट कौन सा ऐसा रोल है जिसे लगा कि मैं एज अ किंजा हाशमी मैं रजिस्टर हुई, यानी लोगों ने मुझे एकदम से पहचाना शुरू कर दिया, वो कौन सा प्ले है? इश्क तमाशा। इश्क तमाशा, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड प्ले।
बहुत अच्छा प्ले था। नहीं अच्छा एक्चुअली अच्छा वो एक्चुअली अच्छा था क्योंकि सबसे सभी पे डर गया सिर्फ आंख दिखाई नहीं 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 क्या चक्कर है सभी की बेगम को पूछता है क्या उनकी आंखों से भी इतना डरता है सर वो आप कभी घर आए आपको बताऊंगा दिखाऊंगा अब सिर्फ मैं यही देखने जाऊंगा अच्छा नहीं मैं एक्चुअली बात तो इस तमाशा का जिक्र इसलिए किया है कि वो आपको ना सबसे अच्छा फीडबैक किसी भी चीज का ना अपने घर से मिल रहा होता है तो मैं घर पे ऑब्जर्व करता था कि ड्रामा कौन सा देखा जा रहा है तो इश्क तमाशा सब देख रहे थे तो मैंने दानिश को भी उसको कॉल करके मुबारकबाद दी थी कि यार कोई रेटिंग नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता लेकिन ये मैं अपने घर से बता रहा हूँ कि जिस तरह लोग देख रहे हैं इट्स अ हिट प्ले अच्छा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप किंजा कहती है कि अब नेगेटिव भी कर रही हो पॉजिटिव भी कर लिया रोने धोने वाला भी कर लिया कि क्या कैरेक्टर है जो करना आप चाहती हो कि यार ये रह गया ये करना है मुझे I think अभी तो मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा रह गया बहुत से रह गए बहुत सारे रह गए कैरेक्टर ख्वाहिश होती करने की यार ये मुझे करना है मुझे अभी ये जो मोहलत में कर रही हूँ ऐसा था कि मुझे फुल नेगेटिव चाहिए कहीं पे भी थोड़ा सा भी वो नहीं हो कि पॉजिटिव हो जाती है या ये वो तो मैंने वो कर लिया अभी अब नेक्स्ट और देखेंगे अच्छा ग्रूमिंग कुछ लगता है कि 2-4 सालों में यू हैव ग्रूम्ड अ लॉट यानी ग्रूम्ड इन अ वे के लाइक एक्टिंग में भी आई थिंक आप सारी जिंदगी चीजें सीखते हैं हर रोज आप नई चीज सीखते हैं किसी ने हेल्प किया ग्रूमिंग में हर सेट पे होती है जैसे मैंने मोर महल किया था उसमें नादिया जी थी सरमत कुसर थे तो उन लोगों ने काफी हेल्प की थी चीजों में काफी चीजें बताई थी फिर इसी तरह जैसे एक पर्सनल चॉइस भी होती है ग्रो करने की ऑब्वियसली सब में होती है सो आई थिंक योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्ट्रांग एंड ये कोई इंटेलिजेंट इंसान ही ये काम कर सकता है और इंटेलिजेंट लोग ही ग्रो करते हैं जिंदगी में सो डेफिनेटली इंटेलिजेंट है समी या मैंने ऐसे ही बोल दिया नहीं इंटेलिजेंट है समी हर बात में हां कर रहा कोई ऐसी बात नहीं मैं भी इसकी इंटेलिजेंस मुझे लगती है सुपर एक वाक्य भी सुनाता हूं जिसने मुझे शेयर किया था वो जो घर में दरवाजा खोलते थे चोर आ गए थे वो बताओ ना छोटा था वो बचपन का क्या बचपन में भी तेजी है वाक्य सुनने वाले से मेरी भी हंसी निकल गई थी कि ये क्या है क्या क्या किया था बहुत पुरानी बात है कि 2010 की बात है कि मम्मा ने मुझे कहा कि दरवाजा खोलो और ना मेरा शो चल रहा था बिग बॉस तो मैंने कहा कि क्या मुसीबत है मैं भागते हुए गई और मैंने दरवाजा खोला मैंने कहा जी तो वो अंदर आ गए अब मैं उनको देख रही हूँ और वो साथ चल रहे हैं जब वो आधे रास्ते में पहुंच गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गड़बड़ है कुछ ओके और मुझे तब पहली दफा पता चला कि डर में मेरी चीख खत्म हो जाती है आवाज ही खत्म हो जाती है तो मैं ये कर रही हूँ और मुझे कुछ आवाज ही नहीं निकल रही वो अंदर गए उन्होंने हम सबको अंदर किया आराम से चोरी की चार पांच लोग आ गए और मम्मा पूछ रही है कि दरवाजा किसने खोला था मम्मा भूल गए आपने भेजा था मैंने कहा पता नहीं किसने खोला फिर मैंने स्टोरी बनाई ना वो उतने जितने टाइम पे वो चोरी कर रहे थे मैं सिर्फ ये स्टोरी बना रही थी कि आप ये जाएंगे तो बोलना क्या है क्योंकि मुझे तो बहुत कुट पड़ने वाली है तो मैंने कहा कि जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे धक्का दिया और वो अंदर आ गया तो मम्मा कह रही देखा ये मैंने कहा हुआ था सिर्फ काम करने आती हो नहीं मैं शिफ्ट हो गई हूँ तो योर पेरेंट्स अम्मी तो मामा भी साथ ही हैं अच्छा साथ हैं ओके सो नाउ यू लिविंग इन कराची तो वो कभी जाती हैं चार पांच दिन क्या चेंज अकेली भी इतनी देर मतलब मुझे लगता है यहां रहती रही ऑफिस तो फिर एंड ऑफ द डे तो उनको आना था क्या चेंज लगता है लाहौर से यहां पे क्या डिफरेंट है चेंज तो नहीं मुझे कुछ खास लगता क्योंकि जब मैं लाहौर में थी तो मैं बाहर कहीं जाती नहीं थी ज्यादा यहां पे काम के लिए हर रोज जाते हैं बाहर तो यहां पे काम कर रहे हैं वहां पे नॉर्मल घर की लाइफ थी ठीक है तो यहां काम में बिजी ज्यादा हो गए कराची में ठीक है और समी तो बहुत अरसे बाद समी यू शिफ्टेड टू कराची ना आफ्टर लॉन्ग टाइम यार अभी पीछे कंफ्यूजन भी रही कि मैं जा रहा हूँ वापस फिर आ गया नहीं वो मेरे साथ ही हुआ था कि मैं 2012 में यानी पहले खुद आचा आने जाना लगा रहा 2008 से लेकर 2012 तक 12 में वाइफ भी आ गई थी यहाँ पर लेकिन 2018 के अंदर जब फिल्में थोड़ी ज्यादा शुरू की तो टीवी थोड़ा बैलेंस कर रहा था तो मैंने कहा लाहौर रहा जा सकता है क्योंकि आप शूट के लिए यहाँ चले जाएं लेकिन देन कोरोना हैपेंड एंड फिल्म्स बनी नहीं है रिलीज नहीं हो रही सो फोकस इज बैक ऑन टेलीविजन तो फिर अभी लास्ट ऑगस्ट आई शिफ्टेड बैक तब तो बेटी का स्कूल भी है कराची में ही है सो वी आर हियर हाउ ओल्ड आर योर किड्स समय आई हैव वन डॉटर शी जस्ट टर्नड 5 शी टर्नड 5 2 डेज बैक ओह अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त yes. तो बाकी फैमिली सब बड़ी सपोर्टिव फैमिली समी का भाई कहाँ गया भाई भाई कर रहा है काम या नहीं कर रहा भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा वो नहीं यार एक्टिंग कर रहा है लेकिन ही इज मोर इनटू डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन नाउ He's in Lahore, right? He's in Lahore. आते जाते रहते हैं, but he's working as a director, producer, doing some projects for PTV. Sami, मुझे बताओ कौन सा you? It's been more than 15 years that you're working, right? Around 20 16 years. 16 years. 16 years.
पता नहीं मुझे क्या पता यार, मैं तो मुझे तो अभी बस काम शुरू किया। जी 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 बिल्कुल, हमने इकट्ठे कभी काम नहीं किया ना, दोनों मेरे पे हंस रहे हैं इस बात। मैंने जान के ये बात की कि जरा ये अभी चंद साल पहले, हाँ 12 साल पहले क्या होता था इस फील्ड में। हाँ हमने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी अभी हम दोनों की, पुरानी 12 साल पहले की थी वो, 12 वो 16 साल पहले की, 12 साल पहले की थी, 12 साल पहले की थी। तो मुझे ये बताओ कि क्योंकि इतना दो डेकेड्स ऑलमोस्ट 16-17 years, फिल्म लॉलीवुड वाली फिल्म, अब की न्यू एज सिनेमा जो बन रहा है यहाँ पे, फिर द अदर स्टाइल ऑफ ड्रामा व्हिच आई वुड से कि हैजंट चेंज मच, बट एनवायरनमेंट जरूर चेंज हुआ है काम का। तो व्हाट डू यू फील के वो वाले ड्रामे, वो वाली फिल्म या ये वाले ड्रामे कुछ मुख्तलिफ, क्या टाइम, विच टाइम इज बेटर? आई थिंक टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, ह्यूमन नेचर है इवॉल्व करना, तो आई थिंक आपका ड्रामा भी वैसे इवॉल्व किया है, फिल्म्स भी इवॉल्व की हैं। एंड आई थिंक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो वक्त के साथ अपने आप को अडैप्ट करे, अडैप्टेबिलिटी होनी जरूरी है कि टाइम से चेंज करे अपने आप को। मसलन हम तस्वीर भी देख रहे थे, उस वक्त हमारी स्टाइलिंग कुछ और थी, देखने का अंदाज भी कुछ और था तस्वीर के अंदर, सही लग रहा था, मैं आइटम लग रहा था, दोनों का स्टाइल ही अजीब था, कौन मेरे बाल बनाता था भाई। तो वो वक्त वक्त के साथ वक्त की बात है, दैट पिक्चर ही वाज स्टिल लुकिंग नाइस। फिर तो वो वक्त वक्त की बात है, आई थिंक इंसान चेंज होता है। एंड ऑब्वियसली आई एम लकी के, और अल्लाह का शुक्र है कि लाइक उस लॉलीवुड का भी काम किया और अब न्यू एज सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है। आई थिंक कराची इवॉल्व्ड विद टाइम, बहुत तेज प्रोग्रेस किया है, जो इंटरनेशनल सिनेमा की रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ साथ मैच करता रहा, टेलीविजन और सिनेमा दोनों। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब मतलब काम का भी मजा आ रहा है, तभी यू आर एंजॉयिंग, काम काम है। आई थिंक मैं वही जो बात, आई एम एन एक्टर, मुझे मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, मना नहीं करता। ठीक है सही है। अच्छा, जो रूमर्स निकलती हैं कंजा, उनके बारे में क्या ख्याल है? जो ये यूट्यूब पे क्लिक होता है और फिर ये लिखा हुआ होता है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कुछ कर दिया तो गलत गलत कॉमेंट्स, वो कैसे डील करती हो? मुझे तो हंसी आती है, मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास इन चीजों का। मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और काम करूंगी, आप काम देखें, काम को जज करें आप मेरी पर्सनल लाइफ। वो मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ, तो वो चीजें आती हैं डिफरेंट किस्म की ना, कोई भी आप बात अभी इसमें से भी कुछ निकाल के कि किंजा हाशमी ने ये कह दिया। और मजे की बात होती है, वो जब से वीडियो ऐसी होती है उनकी कॉमेंट्री सुनने वाली होती है, ये जो हमारे एक्टर हैं इनका आपको पता नहीं है, इनके पास इतने ये है एक्शन, मतलब ऐसी की होती है ना उन्होंने डबिंग के, आप कहते हैं यार। बट आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर वन थिंग, कि पहले ये नहीं होता था, अब चूंकि इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इस काम की और इतनी लाइकेबिलिटी आजकल के एक्टर एक्ट्रेसेस की सबकी, तो फिर डिस्कशन में भी ज्यादा रहते हैं। आई थिंक बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो उसके निशान, आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से फ्रीडम भी बहुत आ गया है, लोग अपनी बात हर एक तक पहुंचा देते हैं। पहले क्या था, पहले न्यूज़पेपर होते थे या खबरें होती थी, पहले हम तक पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन यही है कि आप नहीं सुने, जिन लोगों का आप जानते नहीं उनकी बातें क्यों मैटर कर रही हैं आपके लिए। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे वो एक याद है, एक चीज मुझे बहुत अच्छी किसी ने बोली थी, गवार की गाली हंस के टाली, और ये उसी वाली चीज है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो जो आपसे बात कुछ कर रहे हैं उनको पता ही नहीं आपकी क्राफ्ट का, आप क्या काम कर रहे हैं। I like this. Yes, Sami. दिमाग है, वो बचपन वाला दिमाग नहीं कि दरवाजा खोल देगा। नहीं, दरवाजा करके आएगा तो भाई अंदर से ही फायर मारेगी। अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गेम की जाने पड़ेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। एहसन खान जनाब, हमारे साथ किंजा और सभी मौजूद है, और हमारा सेगमेंट है झूठ का झटका। दोनों पहले से तैयार हैं, वेल प्रिपेयर्ड आए हैं, इनको मालूम है क्या करना है, सिर्फ एक दूसरे को झटके लगाने हैं और कुछ भी नहीं, सिंपल एज दैट। सही है समी, रेडी है? एक बार चेक कर लें। मुझे यकीन है किंजा समी को बेहद ज्यादा झटके लगाने वाली है, और समी मुरव्वत में हमेशा की तरह। क्यों हूं ये तो है, ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है? ये तो बहुत हैवी चल रहा है, ये तो हैवी चल रहा है और ठीक ठाक है। ठीक है जी, समी खान एज किंजा जवाब देगा और किंजा एज समी जवाब देगा, राइट?
सेट पे हो ना दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानते हो अच्छी तरह, कितना ड्रामा एक साथ है? पहला पहले ड्रामे में इतनी अच्छी तरह जान गए दोनों को। अच्छा नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दबाओ, गलत जवाब है, गलत जवाब है, वापस आ, गलत जवाब है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखा मैं बताऊंगा अभी, नहीं नहीं इससे पहले हमने टेलीफिल्म की थी साथ, होना था प्यार में की थी बचपन में, हाँ मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल पहले की थी, की थी 5 साल पहले की, 5 साल पहले किंजा, लेकिन की थी, हाँ ना 11 ईयर ओल्ड थी किंजा, जवाब गलत है, नहीं नहीं गलत है जवाब, किंजा के तो फिर तो कर दिया ना कितनी दफा, हाँ हाँ पकड़े इसे, ठीक है जी दूसरा प्ले बॉल, अच्छा जी समी खान एस किंजा, समी जवाब देगा के किंजा के लिए जवाब, ठीक है, मुझे यानी किंजा से जब कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो मेरा ये रिएक्शन होता है, मैं उससे भी ऊंची आवाज में बात करूंगी, सच बताना कोई ऊंची आवाज में बात करेगा तो फिर मैं कैसे नीची आवाज में जवाब दूंगा, और ऊंची हो जाती आवाज, हाँ सही है, बच गया, बच गया ना, किंजा है समी, फोन पर अगर ये नंबर कॉल कर रहा हो तो मेरे चेहरे पर लाजमी मुस्कुराहट आ जाती है, इनकी वाइफ और वो बेटी से भी बात होती है इनकी ना तब भी, ओए होए जब बेटी से बात होती है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, देखा मैंने कहा था शरीफ आदमी फैमिली मैन, यार क्या बात है, क्या गवाहियां यार, क्या तैयारी कराई है किंजा को ने, सर देख ले अभी सारे हमने डिसाइड किए थे क्या क्या चाहते हैं सभी, ठीक है मैं जब बहुत खुश होती हूँ तो खाना खाने खास जगह पे जाता हूँ, रेस्टोरेंट एक है, हाँ वही तो नहीं जहाँ पे था मैं देखा था किंजा को, नहीं है सर, वहाँ जाती है आप, वहाँ के वेटर आपको ऐसे मिलते हैं कि जैसे ये शी इज द ओनर, इतना जाती है, इतना जाती है, मतलब घर है आगे, कि मुझे कोई एक जगह अच्छी लग जाए तो मैं वहीं पे जाती हूँ हमेशा, क्या खाना पसंद है किंजा, ओरिएंटल चाइनीज, अच्छा मेरा मेरा ना टेस्ट जो है वो बहुत अजीब सा है कि एक ही चीज पसंद आई है तो वही बार बार वही एक, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके, कुछ नया ट्राई नहीं करना, फूड खराब हो जाएगा, नहीं मुझे जो चीज खानी है मैं वही खाऊंगा, अच्छा एक दफा हम खाने पे गए उसी जगह पे लेके मुझे, हम गए इकट्ठे खाना खाने, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं खाना यही खाना है, मैंने कहा मसल मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर, मुझे देखने तो ये अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं इन दूसरों पे भी इंपोज करती हूं ना, नहीं ये ये वाला खाना है यही सही है और यही आएगा, दैट्स इट, नाइस गुड ओके जी, किंजा शूट पर अक्सर इन बातों पर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, हां किंजा का मूड, नहीं नहीं मैं मेरे किंजा जवाब देगी कि समी का किन बातों पर, अच्छा मेरा किन बातों पर मूड ऑफ, हां किंजा जवाब दो, जब इनको क्रिकेट खेलने जाना होता है और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है सीन में तो यानी कि अदाकारी छोड़ के बल्लेबाजी, नहीं मुझे इस बात पे होता है जब शूटिंग 10 बजे के बाद हो रही हो, 10 बजे पैकअप होना चाहिए, तो नहीं तो ये भी तो होता है 10 बजे के बाद आपको जाना होता है, नहीं नहीं 10 बजे के बाद नहीं, घर नहीं जाना होता इसको, वो मैच खेलने जाते हैं यार क्रिकेट का, नहीं 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 रोज कहाँ खेलते हैं, वीकेंड पे ना, वीकेंड पे भी, लेकिन वो मैच 10 बजे तक लेट हो सकता है, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन 10 बजे के बाद लाइक कभी उंगली टूटी हुई थी, कभी यहाँ पे वो मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, कभी कुछ मैच की वजह से, तो दोनों चीजें मैच की वजह से मूड खराब होता है, लेकिन या शूटिंग ज्यादा लेट नाइट शूटिंग, और बताया ना हो कि आज लेट नाइट है और शूटिंग एक्सटेंड हो रही हो तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ना, लेकिन तब भी कुछ नहीं कहते ना, करवा के जाएगा, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये सरासर ज्यादती है, मैं 10 बजे चला जाता हूँ, ये मोहतरमा है जो कि कभी कभी 10 बजे नहीं आज कर देते हैं ना, आज सीन कर लेते हैं, बाद में भी करना ही है, मैं ये सोचती हूँ कि कल भी तो मैंने ही करना, और शायद कल मैंने कहीं जाना हो तो आज करके change. जाऊंगी फॉरन स्टेप चेंज की है कि अगर मैंने कहीं नहीं जाना आज तो ठीक है मम्मा नहीं अच्छा जी सभी, हाँ अक्सर जब मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है तो मैं ये काम करती हूँ, क्या काम करती है फिर, क्या चीज खाती है सर मुझे याद करने दो, वैसे तो मंगवा लेती चीजें वगैरह, लेकिन आई थिंक ये फॉरेन चीजें मंगवा लेती है खाने के लिए, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन भूख लगती है क्या है, चिचड़ी नहीं पकड़े लगाओ लगाओ, नहीं भाई मैं तो दो दो दिन खाना खाए बगैर रह सकती हूँ,
अच्छा उसको पता नहीं, उसको भी लगेगा साथ जब हाथ लगा के कर रही है। कैसे कैसे दोबारा करो पकड़े नहीं तो तुम करो ना साथ, कैसे होता कैसे आप पकड़ के दिखा, हाथ पकड़ो। लगे तुम्हें लगा नहीं, ट्राई करो देखो क्यों मुझे लगे क्यों ट्राई करो, इन दोनों को मजा आने लग पड़ा करके मुझे ये अब लग रहा है। ठीक है किंजा, मेरी ये बात, ये इसको होल्ड करके रखना है ना यार समीर। अच्छा ठीक है, इस बात तो मैंने बताना है ना, इस बात मैंने ही मान लिया। इंडस्ट्री में ये देखें आप, इंडस्ट्री में पहले ये देखें यार समीर, यहां ये यार चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग है यार। अच्छा नहीं वो तुम्हारी में से नहीं चीटिंग है ना यार, वो बेचारी देखो वो उससे सही पकड़ा हुआ है यार ये समय, ये ज्यादती है, ये नहीं 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 क्या देख रहा है उसमें क्या। हाँ ये इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में मेरा या मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। हाँ वाह यार सही बोल रही, सही बोल रही है, पड़ा है यार इसमें दबाना नहीं बनता। नहीं नहीं यार दोस्ती अच्छी होगी क्या आर... कहने ये तो नहीं कहने वाले। नहीं 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 सही है, चले सही है ठीक है। अरे चल नहीं रहा है मेरे साथ, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। नहीं 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 इंडस्ट्री में मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सबूर अली। मिनाल भी है? नहीं भी है नहीं, मैंने एक का नाम तो सही लिया ना, बिल्कुल सही, एक का नाम सही लिया है। ऐसे तो चार हो सकते हैं, मेरी भी दो तीन। इतना दोनों के साथ मजा आया था मुझे शो में, I swear, and we talked about you also on the show. You must have seen the show. देखा था शो? ठीक है जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं जी। यार एक सवाल है, ये हम चेंज कर सकते हैं? मुझे लगता है इनका चल नहीं रहा है ये। मेरा चल रहा है, चल रहा है, उसको तो इतने झटके लगे बेचारी को। चल रहा है ये, क्या है चेक कर सकता हूँ मैं खुद? हाँ नहीं पहले करना था एक यार यार ये क्यों की है टॉय की है टॉय तो खेलना शुरू कर दिया, टॉय अपना अपना करंट भी अपना अपना भाई उसने रख लिया वो अच्छा मैं चाहती हूँ कि बाल और खड़े हो जाए। अच्छा मैंने बताया किसे बताना है अब, मैंने किंजा बन के बताना है। हाँ इस एक्टर को देख के मेरा वो बन जाता है। ऐसा तो कोई भी नहीं, लेकिन नाम नहीं लेते चलो कोई बात। हाँ नाम काफी ज्यादा है, काफी लंबी लिस्ट है बेचारी। ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, नहीं वो तो गलत कह रही है। ठीक है अगर एक्टर ना होता क्या होता? क्या होते ये तो ये क्रिकेटर होते हैं। Yes. सही जवाब। ये इनके फेस पे जो स्माइल आती है, ये सो भी रहे हो थके हुए हो, जब आप क्रिकेट की बात करेंगे ना तो ये फुल एनर्जी में उठ के आपको सारी चीजें बताएंगे। बात है यार जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। और हमने ACL खेला था और उसमें इन्होंने हमें जिताया। हाँ हम ACL जो एक सेलिब्रिटी लीग हुई थी तो वी वर इन द विनिंग टीम, यानी she was also part of the team। एक female player भी थी ना, तो ये हमारी बड़ी key player थी, इन्होंने बड़े matches में जितवाए भी surprisingly, यानी अच्छी performance थी। Very impressive, very nice, जबरदस्त। ठीक है जी, किसकी बारी थी? अब मैंने बताना है, मैंने बताना है। इनकी मुझे मालूम है, ऐसे पूछ रहा है ऐसे पूछा, मैं देखना कितना इन्वॉल्वड है दोनों। हमें याद करंट पड़ रहा है भाई, समी की बारी है। ये पकड़े पकड़ लूंगा जब बारी है। किंजा की बारी है, नहीं समी की बारी है। समी की है। अच्छा पहले नहीं दबाना, हाथ साथ साइड पे, वो पहले दबा देती है। ये ले। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो समी से पूछेंगे तो किंजा यही देख रही है। अच्छा आप यही बगैर सवाल के करते रहो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, सच में नहीं कंडक्टर नहीं हूँ। मेरे फेवरेट एक्टर्स इंडस्ट्री में ये हैं, मतलब कौन है? किंजा के। हाँ मतलब तीन नाम, तीन नाम लेने हैं, मेल फीमेल बताओ, मेल फीमेल दोनों बता दें। एक तो इसको पसंद है सबूर, एक्ट्रेस भी है, और अभी मैं एक दफा पकड़ लूंगा, बाद में तीन दफा नहीं, एक दफा मैं नाल
दोस्तों के नाम ले रहे हैं। दोस्तों के नाम थोड़ी ले रहे हैं। दोस्तों के नाम ले और एक्टर्स मतलब बड़े जो सीनियर सीनियर भी ना मतलब दबाओ इसको। हाँ अभी नहीं तीनों में तीन एक सवाल में तीन दफा क्यों एक्टर मतलब दोस्तों के नाम में जोर से लगा यार मतलब एक आपने एक सवाल में तीन नाम पूछे तो तीन दफा करंट पड़ेगा। अरे इतना सोच रहे हैं मैं सोच रही हूं आपके जवाब में इतना सोच रहे हैं कि मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम पड़ जाएगी। नहीं नहीं मुझे ज्यादा नहीं सोच भाई यार ज्यादा क्या होगा कभी एक्टिंग की बात ही नहीं हुई इसके साथ मतलब ये तो यही खींचने भी लगी रहती थी। एक तो बुशरा पाओगे मैं बताता हूं वो खुद बता रही है बुशरा अंसारी और जो मुझे लगता है मैं बोल रही है भाई ये मैंने इससे पूछा यार बताएं ना फिर करंट पढ़ना चाहिए कि नहीं गलत किया पढ़ना चाहिए पकड़ो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और होगा अभी अभी और होगा मेरे हिस्से का आप खा लें चलो ना दो चेंज कर लेते हैं चलो नहीं नहीं वो अच्छा भाई दो नाम हो गए बुशरा आपा है और नौमान एजाज है नौमान एजाज एंड आई थिंक बता रही है हुमायूं से देखा मैं कहने वाला था मैंने मुंह से हुमायूं सही बताया उसने इस पे तो समी को तीन झटके लगे लेकिन हाँ। एक तो एक एक पड़ गए एक पड़ गए एक पड़ एक पड़ गए एक और समी एक और कुर्बानी यार ये पहला कैसे होता अच्छा जो कह रहा अच्छा यार लगा झटका ठीक है ये यही तो करते हार मान जाते हैं। ओके जी किंजा अगर किसी एक्ट्रेस ने मुझे शादी की ऑफर की होती तो मेरा जवाब क्या होता अभी इस टाइम पे या शादी से पहले अगर कभी भी की होती इसका जवाब क्या होता जो शादी से पहले इजी कर दो ना तो ये बातों में नहीं आते हाँ पकड़ो अच्छा आ जाते हाँ यार आ जाते नहीं सच्ची आ जाते नहीं नहीं बनता क्यों नहीं ये कर लेते पकड़ो अब तो मैंने बोल दिया ना आप मतलब जवाब देते सर करंट पड़ेगा जवाब करंट तो पड़ेगा पकड़े मैं मुरावतन करंट खा सकता हूँ मुरावतन शादी ना कर रहा हूँ ठीक है जी समी जी मैं जब डायलॉग भूल जाती हूँ तो ये करती हूँ हंस पड़ती हूँ हाँ देखा हंस हंस पड़ती है और अगर इनके साथ हो तो इन पे इल्जाम लगा देती हूँ हम उसमें इल्जाम लगाती हैं कि ये तंग कर रहे हैं ये देखें ये इनकी आंखें इधर उधर जा रही हैं ये देखें डिस्ट्रैक्ट कर दी ना समी को समी को भी भूल जाता है अच्छा सीनियर होने का ये मतलब नहीं कि डायलॉग नहीं भूलता सब भूलते हैं इंसान है वो तो बिल्कुल याद है तो अपनी तरफ से सारे डायलॉग्स बोल वैसे ये आपको लगता है एक्टिंग करें बड़ी कोई डीप एक्टिंग चल रही है सच में ये कभी डायलॉग नहीं भूलते अपना अच्छी बात है बल्कि ये मुझे फिर आगे से वो कहते हैं याद करना था ना याद करना था ये वाला सीन यार जब तो जब एक आप सीन याद कर रहे हैं और मुहतरमा सबूर पता है आज ये प्लान है तुम ये तब दोस्तों को आप वैसे काम की तो ध्यान ही नहीं है यार और ये भी तो करते हैं आप भी तो करते हैं आप भी तो क्रिकेट की बातें करते हैं और बॉल के साथ खेलते रहते हैं बॉल है इनके पास हार्ड बॉल है हार्ड बॉल नेट पे आता नहीं हूं यार ये हो रहा होता है लेग स्पिन की यार्ड में ये हो रहा था ठीक है ओके यार हम भी इंसान है यार बिल्कुल सही है किंजा इंडस्ट्री में बहुत डैश 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 हैं समय की पॉइंट यानी बहुत अच्छे बहुत प्यारे बहुत बुरे बहुत जबरदस्त क्या क्वालिटी है मतलब क्या है किस तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं समी क्या सोचता है सब बहुत अच्छे हैं प्यारे हैं पॉजिटिव हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया भी है तो मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ ये समी हाँ। और फिर थोड़ी देर बाद यार ये हुआ क्या है यार ये कैसे हुआ है मेरे साथ ये कैसे हुआ है फिर थोड़ी देर बाद डाउन होंगे हाँ यार मैंने अल्लाह पे छोड़ा तो मैं कहती हूँ फिर बता क्यों रहे पहले भी बोला था यार बंदा तसल्ली कर लो बंदा कहे भी ना यार हाँ ये तो बता कहने का तो हक है नहीं एक दफा मैं बोल दिया अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर दोबारा कॉल करके तो क्या मैं सोच रहा था ये हुआ क्या है कैसे हो गया कर कैसे दिया किसी ने एग्जैक्टली हाँ ठीक है समी मैं ये जुमला अक्सर बोलती हूँ अक्सर उस पे हाथ रखना भाई ताकि अगर गलत बोले तो अच्छा वो... ना मैं रख रहा हूँ यार तो आपका है। अच्छा हाँ यार क्या बोलती थी मुझे याद आ गया भूल गया हूँ मैं यार तुम करंट लगा लो यार लगा लो अब तो आदत हो गई है क्या जुमला किंजा कोई ऐसा जुमला जो अक्सर बोलती अक्सर बोलती हूँ बोलो अब बोलो सबके सामने बोलो सबके सामने नहीं नहीं मुझे नहीं अब बताओ सबको अच्छा अब बताओ कितना अच्छा मैंने तो करंट खा लिया ना किंजा उसे मैंने करंट खाया है खातिर नहीं मैंने कुर्बानी दी है कुर्बानी अब बोलो यार नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं सभी कुर्बानी के लिए तालियां किंजा तालियां पर पकड़ो ऐसा जुमला जो टीवी पे नहीं बोल सकते भाई मैं क्यों पकड़ू नहीं नहीं इतना भी नहीं है वैसे मेरे से तो नहीं हां चले
ओके ठीक है किंजा फला फला को अब मॉर्निंग शो छोड़ देना चाहिए मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन मॉर्निंग शो कर रहा है साहिल लोधी ठीक है कर रहे हैं वो हाँ ओके उनको छोड़ देना चाहिए ये मैं इस पे गलत है सही पे कह सकता हूँ ना कि मेरी ये राय नहीं है तो अगर मेरी ये राय नहीं है मैं करंट मार सकता हूँ मेरे से पूछा है ना जवाब आपने दिया इसके मतलब मेरे लिए सवाल था जवाब गलत था आपने दिया है तो करंट किसको पड़ेगा किंजा को ये रियल जवाब देंगे अगर ये करंट रियल दे दिया हाँ तो ये जवाब हम दोबारा लेते हैं अगर समी ये सोचे कि इसको छोड़ना है किसी को छोड़ देना चाहिए मॉनिश तो वो किस क्या होगा नाम मुझे बताना तो नहीं मतलब किंजा किंजा बताएगी ना अच्छा किंजा बताएगी था ना साहिर लोधी अच्छा इन्हीं का था हाँ? दो दफा बोल दिया साहिर लोधी बजाओ नहीं दबाना या नहीं दबाना दबाओ नहीं दबाना सच बोल रही है वो तुझे जानती है भाई तो ऐसे कौन है मुझे लग रहा है निदा यासिर मैं और ऑप्शन सोचा था कि अगर मैं बाकी सोचूं तो कौन हो लेकिन हाँ ठीक है ठीक है क्योंकि मैंने कभी ज्यादा सुना नहीं है उनके मॉर्निंग शो के बारे में तो शायद इसलिए मुझे लगा ठीक है किंजा ये कोई मजेदार सवाल है एहसन की शक्ल बता रही है कोई बहुत ही मुश्किल सा सभी से सवाल कर जी जी बिल्कुल हाँ, क्यों सोच कर दिया है किंजा से भी कर लिया ना हाँ। सेट पे मैं ये शरारत अक्सर करती हूँ हमें पता है क्या करती है लेकिन कोई और शरारत बताओ इसकी सेट पे करती है ये ना जब कभी इसने टेंट्रम दिखाने होते हैं ना तो शदीद टेंट्रम दिखाती है और बाद में आके एक्टरों को बता देती है देखा मैंने अब सही कर दिया सबको क्या यस क्या किया मैंने जब कभी इशू करती थी सेट के ऊपर कि ये देखो ये हो गया ये हो गया बाद के देखा ना मैंने सही किया ना सही किया ना ऐसा करना चाहिए ताकि वो सही रहते हैं तो सही तो सही कह रहा है ऐसे होता होगा हां कभी कर लेती है कभी कभी नहीं अक्सर करती है प्लानिंग होती है उसकी प्लानिंग होती थी कि और आके आके बताती है कि देखा मैंने सही किया ऐसे करना चाहिए एक दफा हमारे सेट पे एक बहुत फनी चीज हुई थी कि ना हम लोग सब मिलके कोई बात कर रहे थे सुबह में कोई ना सीन क्रिएट हुआ था सेट पे तो मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट बुला के बता रही थी और ना उसके बाद कोमल आई उसने भी मुझे बताया और ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे तो वो साथ ही सो रहा था ये मैं सुनाता हूँ जैसे ही उठे ये इनकी एंट्री हुई और मैंने कहा समी मुझे बात करनी है और मैं और इसको लेके ऊंची आवाज में यानी वो जिस बंदे के बारे में ये मिलके गॉसिप कर रहे थे वो उसी मेकअप रूम में बैठ के ऊपर सो रहा था वो बेचारा हाँ। सोया ही रहा होगा कि मैं अपनी इज्जत बचा लूं और उसके बाद में नहीं उठने के बाद आवाज लाउड हुई उसकी तो ये आ गए और मैं तो भाग गई और वो दोनों वहीं पे ऐसे हो गए कि जैसे उठे बैठे ये मैं एंटर हूं आपसे बात करनी इधर है मुझे बाहर ले गई है यार बहुत बड़ा ब्लंडर है ये ठीक है जी समी तो अगर कभी कोई लड़की पसंद आ जाए तो इसका पहला चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या आता है ये खुशी होते हैं तारीफ कर देते हैं हाँ तारीफ बात याद है पहुंच गई है तारीफ कर देते हैं आप पता है मुझे हाँ पकड़े मैंने वैसे इतनी तारीफ करते नहीं है लड़कियों फॉर्म बदल रही है देखिए बात सुनिए अब मैं कहूँ कि आप लड़कों की तारीफ करते हैं लड़कियों की करेंगे ना लड़का तो लड़की तो ये करते हैं तारीफ लड़कियों की सच है लेकिन 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 मैं फौरन नहीं करता मैं थोड़ा टाइम लेके लेकिन इनको मैं देखूं तो ये पहचान जाती हूँ कि इनको ये अच्छी लग रही है अच्छा इतनी पहचान जाती है अच्छा कौन कौन अच्छी लगी है बताएं अल्ले पूछे अच्छा अगर किंजा को कोई बहुत कूल लग जाए पसंद आ जाए तो किंजा के चेहरे पे पहला एक्सप्रेशन क्या होता है समी किंजा के चेहरे पे साफ लिखा होता है कि अच्छा लग गया देखा साफ लिखा होता है यही हो जाती है ठीक है अब ऐसा भी नहीं है ये शक्ल बन जाती है तारीफ करती हूँ मुझे जो खूबसूरत लगेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी ठीक है बिल्कुल सही है थैंक यू वेरी मच दोनों ने बहुत अच्छा खेला है ये गेम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट गेम की जाने देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान Now, welcome back to Time Out with Ahsan Khan और तीखा सच की बारी है और मुझे 100% यकीन है कि ये दोनों हमेशा ही सच बोलते होंगे कभी झूठ तो बोला नहीं होगा और आप दोनों जानते भी एक दूसरे को इतना है
तो समी आपने तो कभी नहीं झूठ बोला था ना समी ने तो मैं झूठ बोलूंगी तो ये तो बोलने देंगे मुझे झूठ मैं सच ये सच बता पे बिलीव करता हूँ हाँ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा ठीक है तो फिर हम मिर्चें खाते हैं बड़ा भूख लगी हुई दोनों को थोड़ा सा स्पाइसी बना के सुनाइए समी क्या बात है सब डाल दें यार ये इतना मजे का बन जाता है समी के तेरी सोच है मेरे भाई एक एक रख देते हैं ऊपर ना ये अच्छा सा डिजाइन कर देते हैं कैसे तो सारी मिर्चों वाली सॉस यार मैं कहता हूँ कि इतना मजे का मैंने उफ यार ऐसा जबरदस्त समी खा के प्लीज एक मिनट किंजा इधर भी होगा अभी तो कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी हुई है गरम हो मेरा खाना हाँ। आपको पता ही प्रेमी गली मेरा खाना गरम हो प्लीज ये गरम नहीं है ठंडा है तो खाना पड़ेगा वो हो गया ठंडा अच्छा ये किस लिए ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नहीं मैं सोच रहा हूँ ये किस लिए है अच्छा ठीक है नहीं आप विंग्स बेहतर है विंग्स बेहतर है विंग्स बेहतर ऑप्शन हां वैसे ये खानी चाहिए हमें उसकी जगह हां जो दिल कर रखा है आपका जो अगर बहुत मिर्च लगी तो पानी भी है दूध और ये क्या है दूध मुझे लगा शायद लस्सी हो यार लस्सी के भी ख्वाहिशमंद हो सकता है इंसान तूने दूध कभी नहीं देखा नहीं लेकिन लस्सी भी ऐसी होती है पतली अगर हो तो चले समी खान हो गया क्या हो गया यार लगता सब भूल गया आई नो इतनी मिर्चें देख प्लीज शुरू कर लो भाई स्टार्ट करें अच्छा सभी से हाँ खाए सभी से पहला सवाल सभी से ये है कि सबने काफ कंगना छोड़ दी लेकिन मैंने नहीं छोड़ी और फिर मैंने ये भी एक शो में बैठ के कहा कि काफ कंगना इम्तिहान एक बार कमिटमेंट कर ली फिर मैं इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता तो फिर ये क्यों कहा था कि काफ कंगना आजमाइश है बहुत टाइम लग गया था नहीं टाइम इसका क्या ताल्लुक है आजमाइश मैंने एक एक मिनट मैंने उस सुन की वजह से टीवी छोड़ दिया था मैंने उस सुन की वजह से टीवी छोड़ दिया था कि मैं टीवी पे थोड़ा गैप लूंगा तो वो डेढ़ साल हो गया तो वो फिल्म अक्टूबर 2018 में आनी थी लेकिन वो आई अक्टूबर 2019 में ओ साल एक पूरा तो डेढ़ साल इसलिए मैं थोड़ा तंग हुआ था लेकिन अदरवाइज ठीक है ओके किंजा मिर्चे कैसे लगेगी ये यार मिर्चे लगना भी जरूरी है बात करते हुए ये बस हम चाहते हैं खातिर भी करें थोड़ा एंजॉय भी करें मिर्चे भी लगे और खाए भी एक बहुत पॉपुलर अदाकारा के बेटे ने आपको शादी का प्रपोजल दिया और YouTube पे भी बहुत बातें बनी भाई बहुत तीखा है यार ये बहुत तीखा है यार मुझे पानी चाहिए भाई क्या ये सवाल सभी जानता है सब ये सिर्फ एक रूमर था कोई ऐसे प्रपोजल आया था क्या था कहा नहीं रही ऐसा कुछ भी नहीं था या सासू माँ पसंद नहीं थी या नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था लोग तो YouTube पे तो सौ आते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं YouTube पे नहीं ऐसा कुछ नहीं था नहीं ऐसा कुछ नहीं पक्का था। हाँ यार ज्यादा मिर्चे लग के रहो जैसी आ रही पता नहीं क्यों I don't know मैं फिर खाए 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 एक बार रमजान ट्रांसमिशन की राबिया अनम के साथ अगले साल राबिया थी पर समी नहीं था इसी क्या वजह इसकी वजह ये थी कि नंबर एक तो ये कि मेरी उस साल फिल्म आ रही थी रॉन्ग नंबर टू फिल्म की प्रमोशन भी करनी थी तो मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि फिल्म आ रही है और ईद पे मेरा वो गाने चल रहे हैं प्रमोशन पूरे रमजान में और साथ साथ ट्रांसमिशन भी कर रहा हूँ तो मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ओ अच्छा ये बात तो आपने खुद मना किया खुद भी मेरा इरादा नहीं था क्योंकि मैं क्या जब तक फिल्म्स कर रहा हूं तब तक मैं शायद ना करूं तो फिर तब क्यों कर लिया 2018 में उससे कुछ कर नहीं रहा था ना टीवी पे फिल्म तो बाद में आनी थी अच्छा 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 फिल्म बाद में आनी थी इसलिए वो गले में लग गए दूध पी लें आप पानी बेहतर पक्की बात ठीक है यार इसके मिर्चे कम डाली हैं नहीं पता नहीं नहीं सर मेरी सारी सॉस खाली आपने ये सॉस क्यों नहीं डाली यार ये चालाकी कर रही है लड़की एग्जैक्टली ये अंदर से बोटी चुन रही है जी और ऊपर से ये डाली ये वाली क्यों नहीं डाली सॉस ये देखो दोस्त तुम्हारा क्या कह रहा है एग्जैक्टली क्या चाहता है ये दोस्त नहीं है मेरे अच्छा थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा
थोड़ा सा बेबी उसे, अब देखा वहां से उठा लिया जा कम सॉस है भरा है भरा है भरा है किंजा मुझे क्रिकेटर शादाब खान फॉलो करते हैं वो सिर्फ एक एक्ट्रेस को फॉलो करता है सच में मुझे फॉलो कर रहे हैं यार आप एटीट्यूड देखेंगे उनको पता ही नहीं है अब मुझे क्या पता मुझे कौन फॉलो कर रहा है यानी बहुत पोटेंशियल मैंने बोला था सर मैंने मिला नहीं हूँ कभी उनसे मुझे क्या पता सभी सर मैं करो के सच में फॉलो करता है मुझे नहीं पता अभी पता चल रहा है एक बंदी जो दिन के 24 घंटों में से 25 घंटे इंस्टाग्राम पे हो उसको ये ना पता होगा कौन फॉलो करता है बात सुनो जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना तब आपको पता चलता है कि वो भी फॉलो कर रहा है अच्छा मैं तो नहीं कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा मैं मिली भी नहीं हूँ कभी तो मुझे कैसे पता चलेगा यानी सिर्फ वो फॉलो कर रहा है ये बता रहे हैं मुझे नहीं पता मैंने देखा नहीं अभी कुछ कहना चाहोगी उनको थैंक यू सो मच अगर आप मुझे फॉलो करें जरूर मेरा काम देखा होगा और अच्छी लग रही होंगी मैं आपको थैंक यू हाँ सही बात है हाँ कोई शक नहीं समी खान है यार बस छोड़ दे वो हड्डी हो गई है यार ठीक है हाँ वो खत्म हो गया इस पे आ गया इस पे आ गया अब ये ठीक है और सही ज़्यादा हाँ ना यार नहीं ये वाला खाएं किंजा ये सिर्फ ये वो कर रहा है और ये देखो पूरी बाट ली है ये वाला खाएं खुद भी खाओ मैं तो खा रही हूँ समी खान एक वक्त में एक एक्टर से शादी करने वाले थे लेकिन जब वो शादी नहीं हुई तो उसका अफसोस आज भी है क्या ये सच है या नहीं नोप नहीं दोनों मतलब क्या अफसोस शादी नहीं करने शादी वाले नहीं करने वाले थे नहीं नहीं कतन अफसोस नहीं है जो तल इस चीज का शादी ना होने का शादी करने वाले थे किससे आप एक वक्त में था लेकिन ठीक है हाँ लेकिन अल्लाह का शुक्र जो होता है बेहतरी के लिए होता है ठीक है आई एम हैप्पी ओके आई एम वेरी हैप्पी अल्लाह का वेरी हैप्पी माशाल्लाह क्या बात है किंजा हाशमी जो कि खा ही नहीं रही मैं खा रही हूँ बस सिर्फ इधर उधर देख रही नहीं खा रही एक्टिंग कर रही एक्ट्रेस अच्छी है ना नहीं वो पता हाँ वो पता लगे कि मॉनिटर में मेरा क्लोज आ गया चल गई है पानी को अभी तक पिया नहीं है जिनको मिर्चे लगते हैं पानी पीते हैं ऐसे ये देखो ऐसे ओहो किंजा मीठे में है कुछ किंजा अब पानी पिया देखा दिखाने के लिए किंजा किंजा सवाल ये है तस्वीरें आई थी इमरान अब्बास के साथ और कुछ लोगों ने बोला कि किंजा हाशमी और इमरान तो इमरान अब्बास की कितनी भी शादी है ये बेचारे की चौथी पांचवी पहले ये मुझे नहीं पता ये अच्छा मैंने एक चीज नोट की है कि जिसकी शादी ही नहीं हो रही जिसका कोई रूमर नहीं आ रहा ऐसे तो उसके बारे में अगर वो किसी एक किसी के साथ भी तस्वीर लगाएंगे ना तो लोग शुरू हो जाएंगे बातें करना शुरू हो जाएंगे तो अगर आपका कोई स्कैंडल चल रहा है तो आप सेफ हैं और अगर नहीं चल रहा तो आप सेफ नहीं है दूसरी शादी भी तो हो सकती है तो और लोग भी तो कर सकते हैं शादी क्या हो गया अच्छा दो जवाब किसका जल्दी दो मिर्चे खा रहे हैं जल्दी करो सेकंड मीडिया वाला उसमें सच्चाई नहीं है उस तस्वीर में इमरान भाई के साथ जब मैं छोटी थी ना तब काम किया था उसने फॉर इमरान भाई कह दिया हाँ और वो है भी और वो जानू इंसान है काश वो मेरी उम्र के होते वाह इतने अच्छे लगते क्या मतलब का आप क्या बहुत छोटी है उनकी ज्यादा है काश वो मेरी उम्र के होते मतलब आप कहना चाह रही हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं मतलब मैं जब पहली बार मिली थी तो तब मेरे भाई कह रहे थे ना क्या बात थी ये क्या इमरान सुन रहा है तो क्या बात है क्या मतलब मेरी बात सुने कि अगर मैं उनसे जब मिली थी मैं बहुत छोटी थी और अगर कितनी मैं मतलब छोटी कितनी छोटी थी मैंने भाई बोल दिया ना गलती हो गई ये नहीं बोलना चाहिए था ठीक भाई बोल दिया तो अब भाई है वो अब उम्र वाली बात निकल गई वो अचानक से स्लिप हो गई है अब ठीक है कई फैमिलीज में ऐसा होता है आप पहले कजिन्स को कह रहे होते बाद में शादी हो जाती है इसमें क्या मसला यार इसमें क्या है नहीं ना लेकिन मैं दिल से भाई मानती हूँ ठीक है ओके ये तो अच्छी बात है ठीक है जी समी खान जी मैं तमाम अखबार वालों से ब्लॉगर से जितने भी लोग लिखते हैं उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती बना के रखता हूँ मेरी किसी दुश्मनी नहीं है सबसे दोस्ती है सही बात सबसे अच्छी है इसके ऊपर प्रॉपर एक वो सोच के नहीं, सब नहीं, लोगों से सबके साथ ही अच्छी है आई थिंक सही है सेट पे भी देखती हूँ कि सबके साथ बेहतर ये होती है तो बताते नहीं उनको मैं अवार्ड शोज में नहीं जाता हाँ बहुत कम क्योंकि आमिर खान नहीं जाता इसलिए नहीं अच्छा फिर
2012 में ऐसा हुआ था कि मेरा एक प्ले था पीटीवी के ऊपर चला था घर की खातिर, जिसके अंदर जिसकी बेस पे मुझे पीटीवी अवार्ड मिला और तमगा इम्तियाज मिला। वो मेरे उस यानी प्ले की नॉमिनेशन थी लक्स के अंदर, उसकी बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन थी, मेरी बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन ही नहीं थी। तो उस दिन से आपने सोचा कि यार मैं फिर कम ही जाता हूँ अरुण कुमार, कोई सीन आगे रहने ही दो। बहुत कम, हाँ बहुत कम। लास्ट ईयर भी मुझे बड़ा मजा आता है अवार्ड्स में जाने का, परफॉर्म करने का स्टेज पे, वहां पे जाके आई रियली एंजॉय दैट। मैंने अभी सबसे अच्छी बात पता क्या है, सब लोग मिल जाते हैं वहाँ पे। सबसे मैंने भी लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया कि लास्ट ईयर जब मैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए तो मैं नॉमिनेटेड भी था खुदगर्ज के लिए। काशिफ निसार, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती, उन्होंने कहा यार चलते हैं, तो हम गए थे अवार्ड्स पे, सो आई एंजॉयड अ लॉट। तो अब दोबारा मैं वापस आना शुरू कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। अब आई गो एंड मीट एवरीवन, ठीक है। किंजा हाशमी, मैं जब जिंदगी में शादी करूंगी तो सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर आदमी से करूंगी, क्या ये बात सच है? प्यारे खा नहीं रही सही, ये लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई है 2-4 सालों में माशाल्लाह। यार ऐसे पक्के पक्के जवाब देखें आप, नहीं ऐसे मतलब ये मतलब समी एक बार फिर एकदम सिर्फ खड़े होंगे बात अमीर आदमी से, मैं क्यों शादी करूं? यानी गरीब आदमी से करेंगी? नहीं मैं पढ़े लिखे आदमी से शादी करूं। हैं पढ़े लिखे आदमी से शादी? पढ़ा लिखा अमीर भी तो हो सकता है यार, और पढ़ा लिखा गरीब भी हो सकता है। हो सकता, हाँ गरीब, और गरीब भी हो सकता है यार। काम तो मैं भी कर रही हूँ, पैसे तो मेरे पास भी हैं, पैसे नहीं प्यार चाहिए। तुम किसी इंसान को इस तरह पैसा नहीं डायलॉग सुनो, प्यार चाहिए, पैसा नहीं प्यार चाहिए, पैसा बहुत है प्यार चाहिए। वेरी नाइस, बहुत खूब किंजा एंड सभी, थैंक यू वेरी मच। बढ़ेंगे हम अपने अगले गेम की जानिब, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। और ये लोग जवाब देंगे और हम देखेंगे कि जनरल नॉलेज किसका ज्यादा है। क्या फोन पे लगने का आजकल के जमाने में कोई फायदा होता है? क्या आप सिर्फ इंस्टाग्राम या बाकी एप्लीकेशंस या अपनी तस्वीरें देखते रहते हैं या कुछ सीखते भी हैं, कुछ नॉलेज में इजाफा होता है, ये भी जानेंगे। क्या ख्याल है समी, आजकल जरा फोन पे लगने की टाइमिंग लोगों की ज्यादा हो गई है लेकिन नॉलेज क्या ख्याल है? क्या हाँ क्या हाँ बता, जवाब दो, सुनना चाहते हैं आप क्या सोचती हैं इस बारे में? क्या नहीं, मैं तो ज्यादा फोन यूज ही नहीं करती यार, शी सो फनी इतनी इतने पक्के मुंह से बात करती है ना, शी सो गुड। मैं तो फोन यूज ज्यादा ही मैं करती नहीं। तो मुझे देखा आपने, समी ने कहा 24 घंटे में से 25 घंटे यूज करती हूँ, ये समी के स्टेटमेंट है। मेरे पास तो देखे अभी भी फोन नहीं है। वैसे अभी हम तीनों में से किसी के भी पास नहीं है, आप सेट पे देखें। ओके ओके, आपकी होगा पॉकेट वगैरह में? नहीं है, तलाशी लेना, बचत होगी, बचत होगी। अच्छा समी का तो ये कि योर डॉटर इज नाउ 5 माशाल्लाह स्कूल जाती है, तो कभी रिविजन में कोई नॉलेज का क्वेश्चन कोई बच्चे के साथ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन किंजा का जरा मुझे ये लग रहा है कि प्रैक्टिस नहीं। वैसे नहीं, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं इस तरह के सवाल निकाल के पढ़ती हूँ थोड़ा सा। किस तरह के सवाल निकाल के पढ़ती हूँ? जनरल नॉलेज के, और ज्यादातर पाकिस्तान से रिलेटेड के, अपने पहले पाकिस्तान का पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान शोबिज से रिलेटेड सवाल जो आप सोच रहे हैं नहीं आते? नहीं कोई बात नहीं, शोबे से रिलेटेड नहीं है ये, नॉर्मल जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। अच्छा होगा ये कि जो जवाब नहीं दे पाएगा उसको यहाँ से एक नंबर चूज करना होगा, और नंबर चूज करके हमारे पास ट्रेजर बॉक्स है, फिर आपके स्टाइलिस्ट तो आपके साथ ही है मुझे लगता है, तो वो फिर हम आपको स्टाइल कर देंगे यहाँ पे अच्छी तरह, इसमें से चीजें निकलेंगी बहुत मजे मजे की, ये देखिए। ठीक है समी, ओके जी। पहला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम या टंगस्टन? टंगस्टन। टंगस्टन, मैंने पहले टंगस्टन कहा है। ये इंजीनियर जो है यार, मैंने ये पहले कहा है, ये गलत tungsten. है, ये गलत है। अब वो है जवाब क्या सही है? अब
क्या कह रहे हैं? पहले जवाब किसने दिया? मुझे तो मौका ही नहीं मिला सोचने का, है ना? नहीं, लेकिन अब तो समी ने फौरन दे दिया, मैंने जवाब दे दिया था। चलो तो वाली नंबर चूज करते हैं। ये इस एक दफा चलो जाने दो, एक ही दफा तुक्का लगता है, बार बार थोड़ी लगता है। वन नंबर मैंने सेलेक्ट करने, अच्छा नहीं उन्होंने, स्टाइलिस्ट OMG क्या है? ओह माय गॉड क्या है? ओह बिग ग्लासेस, ये पहनने पड़े जी, ये पहननी भी है। ये तो मेरे मुंह में भी नहीं आएंगे। पहला जवाब किसे दिया? किसने दिया? मैंने मर्दाना आवाज आई है क्या डायमंड की, फिर उसके बाद लेकिन चलो क्या करें बताओ, करेंगे क्या करें, किसका जवाब माने? फोर, उसने खुद ही मान लिए। ऐसे ने पूछा था कि बताओ क्या करना है, माने नहीं। अच्छा मैं तो ये चाह रहा था कि शायद किंजा कह दे कि ये मैं ऐसे भी लगा सकती हूं। नहीं 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 नहीं, क्यों? अब अगर मेरी क्लासेस तो... मैं जैसे मर्जी लगाऊं, मेरी क्लासेस मेरी मर्जी। हाँ। जी जी लो जी अब नाइस। ये मैं गिफ्ट करना चाहती हूं, वो उसको कर रहे हैं, वो करना चाहती है। ये तो मुंडिया दुपट्टा सेट मेरा। यस तो ये हो सकता है। अच्छा मुझे पहन के रखना पड़ेगा। अच्छा नहीं नहीं, उसे गिफ्ट मैंने गिफ्ट कर दिया ना आपको, उसे गिफ्ट कर दिया यार। देखिए मुझे शेयरिंग सिखाई है घर पे, गिफ्ट जैसा भी, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो जी मेरे पास तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए। अगला सवाल गौर से देखो, पहले देख लूं मैं आपको कसम। Who was the first president of all India Muslim League? आगा हाँ। मैंने नहीं, मैंने बोला है मेरा था इस दफा। मैंने अच्छा मेरा था, ये क्या मेरा था, क्या मतलब? ऐसे मेरा था। किंजा ने सर पहले कहा, मैंने सर बोल दिया था और फिर सभी ने आगा। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया था। हाँ मैंने कहा था आगा। मैंने बोल दिया था, सर पहले बोला, किंजा ने सर पहले बोला। ये और इनको ये दे, ये नहीं निकलना, मैं खुद दिखा दूंगा वहां से। आप लोग जो भी ये शो देख रहे हैं ज्यादती हो रही है, नंबर बताए, जुल्म है, ज्यादती है। नो अभी निकाल दो नंबर 5, पता वही निकला है क्या है, वही निकली है, वही निकली है। तो जब मैं बोल रही थी तब कर लेनी थी। काली ज़बान आपने चेक की है? ये कानों पे आएगी समी। अच्छा ओ ये ओ है। लाइट चली हो? सही है। माइक कहाँ है? माइक इधर सर, अब ठीक है। वो माइक में आवाज है, क्या लग रहे हैं आप? आई नो आ रही है आवाज। अगला सवाल गौर से देखिए, जल्दी से ऑप्शन दे। व्हिच इज इजीली विजिबल फ्रॉम अर्थ? वीनस, वीनस, आई नो दिस वीनस, आई एम एन इंजीनियर, आई हैव स्टडीड, अल्लाह का शुक्र है। क्या है ये, क्या जवाब दे दिया मैंने, क्या हो गया? कान में कुछ लगाया तो नहीं हुआ? भाई सवाल तो देखने दे, उन्हें पढ़ने तो दें यार। द प्लैनेट व्हिच इज इजीली विजिबल फ्रॉम अर्थ इज वीनस।
जो जो कुछ लोगों ने धांधली जो कुछ लोगों ने धांधली करने की कोशिश की थी ना और ये दे दो उसमें तो नंबर टू ही नहीं वो अपने लिए पसंद करे मैं एक मिनट और से देख के करूंगी ये वाला ले लेते हैं नंबर सेवन ओके वाह यार नंबर सेवन निकाला है क्या यार ये भी था माफ किया क्या बात है ओके जी अगला सवाल सुने यार वैसे दाढ़ी है अच्छा नहीं सवाल आ गया Which country consumes the most chocolate? What? Switzerland. नंबर चूज करने दो उसको हो सकता गलत नंबर 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 I think it's United States of America. Sami ने कहा United States of America. Kinza ने कहा Switzerland. हाँ क्या मेरे साथ Sami का जवाब बिल्कुल गलत. Kinza का चेहरा दिख रहा था कि ऐसे क्या क्या भाई माफ किया वाला कोई और भी होता है एक ही होता है पता नहीं सुने आपके लिए मैं निकाल दूँ आप ऐसा करते हैं टू कर लें क्या दो नंबर क्या है मैं समझ गया हूँ भाई जो डेविल है नहीं आप एक्सचेंज कर लें जो कहें जी मैं जो बेस्ट वाला वो रहता है नहीं की जाते कुछ नहीं ऐसा करना करते यार अब लुक चेक करें मेरी यार सबसे मुश्किल काम है ये समय के लिए अब लुक चेक करें दाढ़ी क्या बात और ये लाल दुपट्टा दाढ़ी अच्छा अब अगला क्या है यार एक सेकंड एक सवाल है क्या मैं कुछ एक सवाल है क्या मैंने कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ मैंने इनका गिफ्ट कबूल किया था क्या मैंने कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ ये हेयर बैंड दे दे मैंने इनका गिफ्ट कबूल किया मैंने गिफ्ट दे सकता हूँ कि नहीं उससे पूछ रहे हैं उसको चाहिए आपको गिफ्ट नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए मैं लड़कों से गिफ्ट नहीं लेती थोड़ी देर के लिए मुझे सबूर समझ लो फिर ले लो नहीं मैं लेती नहीं हूँ गिफ्ट सॉरी वो तो आप अच्छे इंसान हैं आपने ले लिया अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी रिब्स आर ह्यूमन इन ह्यूमन बॉडी 18 23 27 23 आर यू श्योर हाउ मेनी रिब्स आर इन अ ह्यूमन बॉडी पसलियां कितनी होती हैं? I think 23. चले आप हारी हैं। पहला जवाब किंजा ने दिया तो किंजा नंबर सेट करो। I'm sorry आपका जवाब बिल्कुल यार ये अचानक इनको जवाब कैसे पता चलने शुरू हो गया? ये समझ नहीं आ रहा। ये चेंज अचानक अचानक से यानी एक बंदी जिसने पहले चार सवाल गलत दिए अचानक उसके सब जवाब ठीक थे मैं बोलने वाली थी बहुत पहले कि उसको दोस्त बोले मैंने हां समी ये बात है उसको नहीं अच्छा यार क्या पहनना है बताओ बताओ क्या पहनना है ऐसे दे दे मैं खुद पसंद कर डायरेक्ट पसंद कर लूं ऐसे दे मैं पसंद करके दे दूं नहीं तुम बैठो आराम से तुम नंबर 10 जबरदस्त नंबर 10 क्या है वो तो नहीं है इसकी कसर रह गई थी सभी तो बहुत अच्छी चीज है वैसे फुल पैकेज डील हो रही है सभी क्या क्या बनाओ बेचारे को वो अब तो जगह ही नहीं बची तस्वीर अब तो प्लॉट खत्म हो गया है और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती इंजा साथ खड़ी होगा फौरन एक तस्वीर फौरन से एक तस्वीर लेंगे हम यादगार पिक्चर ये यस ओके हमारी किंजा बारी आती फिक्र ना करो अगला सवाल हाँ एक मिनट एक मिनट अगला सवाल ऐसे नहीं एक मिनट आर्सनोफोबिया इज फेयर ऑफ स्नेक्स फेयर ऑफ कैट या फेयर ऑफ स्पाइडर सी स्पाइडर सी मैंने पहले बोल दिया था हाँ मैंने पहले बोल दिया था यार उसे स्पाइडर नहीं बोल रहा था उसे सी फॉर कैट भी होता है भाई नहीं नहीं सी बोला मैंने शी कुड हैव सेड कैट जी नहीं शी सेड सी जी पहले से ये क्या हो गया सभी ये क्या हो रहा है हेलो एक्चुअली मेरा मेरी डिफरेंट लुक्स का ट्रायल हो रहा है अगले कैरेक्टर के लिए लाओ लो जी सही जवाब किंजा का नंबर चूज कर सभी
बच्चे किधर है, कोई भी दे दो। आप ऐसा करें, सिक्स सभी लकी लवर सभी बैठा हुआ है। नंबर एट क्या क्या पहनाओ बेचारे को, जोकर रे। क्या लुक क्रिएट किया भाई, अब तो तीसरी मंजिल बन चुकी है। अच्छा ऑनेस्ट आई स्वेयर को बंदा पहचान सकता है समी? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान रहा। मैं खुद नहीं पहचान पा रहा कि इतनी धांधली हुई है मेरे साथ। अभी भी रहते हैं? ओहो आज ये अगला सवाल। ड्रामा सीरियल एहदे वफा वाज रिटन बाय जफर महराज, मुस्तफा अफरीदी, फसी मुस्तफा अफरीदी। जवाब सही है। सेलेक्ट अब तो कर लो, एक आधा सेलेक्ट कोई बात नहीं। ये नंबर 9 में, नंबर 9 में पता नहीं कैमरा चल रहा है, क्या पूछ रही हो? नंबर 9 यार, देखा मैं क्या करूं, मेरे पे पूरा प्लॉट बना दिए, पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है उधर, उसको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सभी बताएगा किंजा, सभी इधर देखना यार, मैं मुड़ भी नहीं सकता पूरी तरह भाई। अच्छा सभी, हाँ सभी, नंबर 9 सुने आप, माफ कर दें, नंबर 6 या नंबर 3 सुने, माफ कर दें, नंबर 9 या नंबर 6 या नंबर 3 सभी कहेंगे नंबर 9। अच्छा नंबर 9 सभी ने चूज किया, चलो हालांकि पहले सभी चाह रहा था एक दफा नंबर 9 चूज करना। हाँ यार क्या बात है यार, मैंने तो नहीं चूज किया था, मैं करूंगी ना, मेरी गेम चल रही है। क्या है? मैं करूंगी जो मेरी मेरी तरफ से कोई और क्यों कर रहा है यार, नंबर 9 मेरी तरफ से, मेरी तरफ से इन्होंने क्यों किया? तुमने खुद एक सेकंड, तुम नहीं, आपने किंजा देखो 9 बोला और फिर समी ने भी 9 बोला, क्या नहीं नहीं मैंने तो चेंज करने वाली थी। किंजा कुछ शर्म करो, मैंने क्या कुछ पहना है, नहीं पहन लिया उसने तो क्या हो गया यार, मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं ये भी पहन लेता। ये क्या है, नाक है, नाक है। और अब ऐनक भी सही पहना है यार, ये गलत बात है, ये ऐनक जो है ये देख जगह ही नहीं बन रही इसकी, ये जगह बन जाएगी यार, मेकअप उतर जाएगा। कम ऑन किंजा यार, लड़कियां थोड़ी पहन रही हैं, लड़कियां तो क्यों, ये यार क्यों लग रही हो, मुंह से सांस ले लो, मेरा जो कुछ बंद हो रहा था मैं अंदाजा हो रहा है। अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओके, व्हिच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज द लॉन्गेस्ट, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट या ओथेलो? ओथेलो, तभी ने कहा ओथेलो, क्या बताओ, ए ए हैमलेट और समी ने कहा ओथेलो, बताएं जी कौन सा सही जवाब है। समी यार इनको कुछ नहीं दे, मेरा ये उतरवा दे ये मैंने ठीक जवाब दिया तो मुझे ये उतार नहीं, 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 उस बेचारे ने भी तो दो चार। अच्छा ये उतार क्यों नहीं है? हाँ ये उतारा क्यों, ये आ ये 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 सांस नहीं आ रहा मुझे, नहीं आ रहा है मुझे, कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे यार। कौन कौन से रह गए हैं, क्या क्या पहनेगा समी, वो तो गर्व क्या रह गया, नंबर क्या बोले, क्या 3 या 6? 6 3 3 कर दे, बहुत तेज है ये, ये क्या है, जाने नहीं दे रहा कि अच्छा ये हाँ इसको ही कर लेता हूँ ना, इधर हाथ में यार मैं चाह रहा हूँ, अच्छा भी तो लगे मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है, चले हाँ जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यार, वैसे ही पहना दो वैसे। When did Pakistan win Olympic gold medal in hockey for the first time? 1960 1964 सभी ने कहा 1960 और सही जवाब है
60 बोल दिया था तो मैंने कहा मैं कुछ और बोल देती हूँ. ये भी मेरी गलती है. क्या रहेंगे इसमें, ये है ओके. ओ नाइस, ऐनक पहनो, सब चीजें पहनाएं सर. ये देखें, ये तो मैं पहनूंगी. I swear, पहचानने में नहीं आ रहा. Very well played, सभी खान. जी जी नजर आ रही है. क्या जवाब दिए आपने? क्या जवाब? केरी क्या जवाब दिया आपने? क्या जवाब दिया आपने यार? सभी के लिए तालियां. पहले सभी ने बजाई थी ना, अब हम बजाएंगे सर. Thank you, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे. क्या ब्रेक? देखते रहिए. टाइम आउट विद समी और किंजा. हमारे साथ समी को भी लगता है किंजा के धांधली हुई है. ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको जवाब नहीं आते थे. जी सही कह रही हैं आप. मैं तो हमेशा सही कहती हूँ. देखा, अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत है. हमेशा सही कहती हूँ. अच्छा जनाब, हम खेलेंगे. हमारा सेगमेंट है दिल खोल के, और इसमें चंद नाम या कुछ गाने, कुछ भी ऐसा होगा तो आपको अगर गाने निकले उसे परफॉर्म करना होगा. अगर कोई नाम निकला तो उनके बारे में आपको कुछ बताना होगा. सिंपल राइट. पहले किसे शुरू करें? उनसे जिनके साथ जाती हुई. यार इट्स पार्ट ऑफ द गेम. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अच्छा लग रहा था यार. हाँ हाँ, कितने क्यूट लग रहे थे. मैंने दो तीन, मैंने तीन चार कैरेक्टर सोचे कैसे करने हैं. यस क्या? अच्छा इन्होंने गेस करना है, मैं खुद ही बता दूं? नहीं नहीं, आप बोलोगे ना उनके बारे में कुछ. पर्चे सना फखर का नाम निकला है, क्या कहेंगे सना? आई थिंक मुझे याद है कि इनकी फिल्म ये दिल आपका हुआ जब आई थी, तो जब इसके गाने आए थे सो उसने हमारे सिनेमा को एक नई एक एनर्जी दी थी. आई रिमेम्बर. नो डाउट. क्या शेख साहब ने फिल्म बनाई थी, तुम मिले जब से वो गाना जो थे उसके, तो उस वक्त सना का क्या उसमें प्रेजेंस था. एंड टिल नाउ नजर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ कौन सा. क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ ब्लू वाली नजर आ रही थी. क्या डिस्को दीवाने. हाँ क्या गाना है यार, बात है डिस्को दीवाने चला. यार हमारी बारी ऐसे कर रहे निकले.
love these songs. यार पार्टी करें ना आपकी उठ जाए। आसमान समी। हाँ। यार क्या गाने थे यार? अच्छा जी अब हाँ अरे अरे ये तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और उससे उससे भी ज्यादा अच्छी इंसान नो डाउट इनका नाम क्या है मैंने तो पर्ची भी देखी सोनिया हुसैन सोनिया हुसैन And she's my fellow Cancerian as well. Oh. Star भी same है तो यार कमाल एनर्जी है काम के अंदर. Super talent. कमाल. Super talent. आखरी पर्ची देखते हैं किंजा के पास क्या निकल रहा है. आजा सोनिए. सोनिया. आए. यार लेकिन एक बात तो इन गानों से इतनी अच्छी वो मेमोरीज क्या बात है किंजा क्या किंजा तो बड़ी सुपर टैलेंटेड निकली है इसमें तो डांस वांस भी जबरदस्त यार परफॉर्मेंस करने का शौक है जो शोज में जब हमारे अवार्ड्स में डांस परफॉर्मेंस होती है यू लाइक टू अच्छा नहीं मुझे शौक नहीं हां ओके और फिल्म क्योंकि अगर मैं पूरा सीख के भी जाऊंगी ना वहां जाके खराब कर दूंगी भूल जाती हो स्टेप्स अगर सीखो तो भूल जाती हो हां मैं थोड़ा सा खराब कर देती हूं मुझे लगता है कि मैं कर दूंगी अगर कभी किया तो ओके चलो जनाब टाइम कैसे गुजरा यार पता ही नहीं चला बिल्कुल द शो इज अबाउट टू एंड नाउ समी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जो आप कह रहे हैं टाइम नहीं गुजरा मुझसे पूछे कैसे गुजरा है मुझ पे टाइम जो मैंने चीजें की है दाड़ी वाड़ी लगानी पड़ गई यार क्या हो गया यार लेकिन कुर्बानी तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस थैंक यू यार असल बात ये है कि आई एंजॉयड Good. It was great having you too. Kinza, thank you so much. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Total pleasure. Best of luck for all your future projects और जो जो काम करो जबरदस्त पाकिस्तान का खूब नाम रोशन करो अच्छा अच्छा काम करो and because you deserve it and you have all the potential माशाल्लाह thank you wonderful अच्छा समी भाई फैंस सुन रहे हैं देख रहे हैं प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं क्या कहना चाहोगे उनको यार मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे माशरे में वैसे ही बहुत लोगों का टेम्परमेंट कम हो चुका है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सो जस्ट ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड अ स्माइल जो आपसे अच्छा हो सकता है वो काम करें बस और वो क्रिटिसाइज मत करें अपने से एक अच्छा काम करें बस वेरी नाइस वेरी इंपॉर्टेंट किंजा क्या कहना चाहोगी अपने फैन से यही कहूंगी कि प्यार बांटें और इज्जत करें एक दूसरे की और एहसास होना सब में बहुत जरूरी है जब आपका एहसास मर जाता है तो मतलब कि आप भी मर गए तो एहसास जिंदा रखें अपना Very nice. Thank you guys. Thank you. I wish we could do another show. Inshallah, एक और show करेंगे. इतनी जबरदस्त energy थी, इतनी positivity थी. I really enjoyed it. आए यार, आए मेरे पास आए. जनाब, आप लोग मुझे feedback जरूर दीजिएगा कि समी और किंजा का ये show आपको कैसा लगा. अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक और celebrity couple के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए Time Out with Ahsan Khan.